अब शॉर्ट्स क्रिएटर्स भी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होकर कमाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स YPP में कैसे शामिल हो सकते हैं और शॉर्ट्स पर दिखने वाले विज्ञापनों से जो रेवेन्यू होती है उसे कैसे बांटा जाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अपनी शॉर्ट्स परफॉर्मेंस और कमाई को कैसे देखा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि शॉर्ट्स क्रिएटर के चैनल पर कम से कम 1000 सदस्य हों और साथ ही सार्वजनिक तौर पर दिखने वाले उनके शॉर्ट वीडियो को पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ मान्य व्यू मिले हों। ऐसे क्रिएटर्स भी प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके चैनल पर 1000 सदस्य हों और उनके लंबी अवधि वाले सार्वजनिक वीडियो को 4000 घंटों तक देखा जा चुका हो। ये भी जरूरी है कि आपके कंटेंट को YouTube की उन नीतियों का भी पालन करना चाहिए जो ओरिजिनल कंटेंट के लिए बनी है, यानी आपने जो कंटेंट अपलोड किया है वो आपका ही कंटेंट है, किसी और का नहीं। YouTube ऐसे ओरिजिनल कंटेंट को पुरस्कृत करना चाहता है जो दर्शकों के लिए कुछ नया या दिलचस्प दिखाता है। मान लें कि आपने रीमिक्स टूल से किसी ऐसे कंटेंट को रीमिक्स किया है जो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, लेकिन आपने उसमें कुछ मजेदार नई या दिलचस्प चीज जोड़ दी है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने उसे पूरे तरीके से बदल दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी जब आपका वीडियो देखकर दर्शकों को ये साफ पता चले कि वह ओरिजिनल वीडियो से काफी अलग है और उसमें एक नयापन है। अब हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट्स पर दिखने वाले विज्ञापनों से रेवेन्यू को कैसे बांटा जाता है। शॉर्ट्स के लिए रेवेन्यू के बंटवारे का एक खास मॉडल बनाया गया है। ये इन 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले शॉर्ट्स फीड में दिखने वाले विज्ञापनों से रेवेन्यू को जोड़ा जाता है। हर महीने शॉर्ट्स फीड में अलग अलग शॉर्ट वीडियो के बीच दिखने वाले विज्ञापनों से आने वाले रेवेन्यू को एक साथ जोड़ा जाता है। ये रेवेन्यू 2 कामों में इस्तेमाल होती है। पहला, उन क्रिएटर्स को पुरस्कृत करने के लिए जो कमाई करने की जरूरी शर्तें पूरी करती हैं, और दूसरा, म्यूजिक का लाइसेंस खरीदने में हुए खर्च को कवर करने में। इसके बाद क्रिएटर पूल को कैलकुलेट किया जाता है। शॉर्ट्स फीड में दिखने वाले विज्ञापनों से हुई कुल रेवेन्यू का एक हिस्सा क्रिएटर पूल को बांट दिया जाएगा। ये हिस्सा क्रिएटर के शॉर्ट वीडियो पर मिले व्यू और उसमें इस्तेमाल किए गए म्यूजिक के आधार पर तय किया जाता है। अगर कोई क्रिएटर अपने शॉर्ट वीडियो में म्यूजिक नहीं इस्तेमाल करता है तो उस वीडियो के व्यू से हुई सारी रेवेन्यू को क्रिएटर पूल में जोड़ दिया जाता है। अगर कोई क्रिएटर अपने शॉर्ट वीडियो में म्यूजिक इस्तेमाल करता है तो उस वीडियो के व्यू से हुई रेवेन्यू को क्रिएटर पूल और म्यूजिक पार्टनर के बीच बांट दिया जाता है। म्यूजिक पार्टनर को कमाई में से कितना हिस्सा मिलेगा ये इस बात से तय होता है कि उनके कितने ट्रैक इस्तेमाल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शॉर्ट वीडियो में एक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है तो उससे होने वाली रेवेन्यू का आधा हिस्सा क्रिएटर पूल में जाएगा और बचा हुआ आधा हिस्सा म्यूजिक का लाइसेंस खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी शॉर्ट वीडियो में 2 ट्रैक इस्तेमाल किए गए हैं तो उससे होने वाली रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा या 1/3 हिस्सा क्रिएटर पूल में जाएगा और बचा हुआ 2/3 या 2/3 हिस्सा म्यूजिक का लाइसेंस खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्रिएटर पूल को क्रिएटर्स के लिए बांट दिया जाता है। हर देश के लिए बने क्रिएटर पूल से हम शॉर्ट वीडियो से कमाई करने वाले क्रिएटर्स की एक रकम को आवंटित करते हैं। ये रकम इस आधार पर तय होती है कि क्रिएटर पूल में शॉर्ट वीडियो पर मिले कुल व्यू का कितना हिस्सा उस क्रिएटर के बनाए गए कंटेंट से आया है। जैसे मान लें कि कमाई कर रहे सभी क्रिएटर्स के शॉर्ट वीडियो पर कुल जितने व्यू आए हैं उनमें से 5% व्यू आपके कंटेंट से मिले हैं, ऐसे में क्रिएटर पूल की पूरी रकम का 5% हिस्सा आपको आवंटित किया जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने वीडियो में म्यूजिक इस्तेमाल किया है या नहीं। और आखिर में शॉर्ट से हुई रेवेन्यू का बंटवारा लागू किया जाता है, यानी कि कमाई करने वाले क्रिएटर्स को जितनी रकम शॉर्ट्स रेवेन्यू से आवंटित की गई थी उसमें से वे 45% हिस्सा अपने पास रखेंगे। जैसे अगर क्रिएटर पूल में आपको $1000 आवंटित किया गया है तो आपको $450 रखने को मिलेंगे। रिकैप करने के लिए, शॉर्ट्स के लिए रेवेन्यू के बंटवारे के ये 4 स्टेप हैं। शॉर्ट्स फीड में दिखने वाले विज्ञापनों से रेवेन्यू को जोड़ा जाता है। इसके बाद क्रिएटर पूल को कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्रिएटर पूल को क्रिएटर्स के लिए बांट दिया जाता है।
और आखिर में हर क्रिएटर के लिए शॉर्ट्स से होने वाली रेवेन्यू का बंटवारा लागू होता है, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए वैसा वॉच पेज नहीं है जैसा लंबी अवधि वाले वीडियो के लिए होता है। हम रेवेन्यू के बंटवारे के लिए ये मॉडल अपना रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि हम कमाई करने वाले उन क्रिएटर्स को पुरस्कृत कर पाएंगे जो शॉर्ट्स पर लोगों का अनुभव शानदार बनाते हैं। इस मॉडल में इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके वीडियो के बगल में विज्ञापन दिखते हैं या नहीं। इस तरीके का एक और फायदा ये भी है कि क्रिएटर को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनके वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी या म्यूजिक डालने से कम कमाई होगी। वे आराम से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। हम ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स इस नए रेवेन्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि शॉर्ट्स से हुई अपनी कमाई और परफॉर्मेंस कैसे देखी जा सकती है। यूट्यूब स्टूडियो एनालिटिक्स के रेवेन्यू टैब में आपको कंटेंट टाइप के आधार पर वीडियो के रोजाना के व्यू और उनसे हुई रेवेन्यू के आंकड़े दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हाउ यू मेक मनी कार्ड या आपकी कमाई कैसे हुई है कार्ड से आपको डिटेल में पता चल सकता है कि आपने शॉर्ट वीडियो या लाइव कंटेंट से कितनी कमाई की है। इसके अलावा ये कार्ड आपको डिटेल में दिखाएगा कि आप शॉर्ट वीडियो या लाइव कंटेंट में कैसे कमाई कर रहे हैं। शॉर्ट्स और YouTube पार्टनर प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।